अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। रिया कपूर बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर की बेटी और अभिनेत्री सोनम कपूर की छोटी बहन है। वह पेशे से प्रोड्यूसर है। रिया कपूर का जन्म 5 मार्च 1987 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। वो एक फिल्म प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट भी है। उनके इस अनोखे अंदाज से लगभग हर शख्स प्रभावित है। वो अपनी बहन सोनम कपूर के लिए भी आउटफिट स्टाइल करते हैं। उन्होंने आयशा 2010 प्लस 2012 आदि फिल्मों के लिए भी स्टाइल किया है। रिया एक पंजाबी खत्री परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो धाम से हिंदू है। उनके पिता अनिल कपूर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता है और उनकी माँ सुनीता कपूर एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। उनकी बड़ी बहन सोनम कपूर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री है और उनके छोटे भाई हर्षवर्धन कपूर भी अभिनेता है। उन्होंने भारतीय डायरेक्टर करण बुलानी से 14 अगस्त 2021 को शादी की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा धीरूभाई अंबानी स्कूल मुंबई से की और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से नाटक साहित्य और थिएटर में एक कोर्स किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक प्रोड्यूसर के रूप में काम करना शुरू किया और 2010 में अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म आयशा का निर्माण किया। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। इसके बाद उन्होंने 2014 में फिल्म खूबसूरत को प्रोड्यूस किया जिसे दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 2017 में उन्होंने अपनी बहन सोनम कपूर के साथ अपने कपड़ों की लाइन रिसन लॉन्च की। रिया नॉन वेजिटेरियन है और ककड़े खाना पसंद करते हैं। शाहिद कपूर और फवाद खान उनके पसंदीदा अभिनेता है। उनकी पसंदीदा फिल्में स्लमडॉग मिलियनेयर, थ्री इडियट्स और एबीसीडी 2 है। उनके सर्वकालिक पसंदीदा डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी है। रिया को अपने खाली समय में संगीत सुनना पसंद है और उनके पसंदीदा म्यूजिशियन एयर रहमान, रियाना, टेलर स्विफ्ट और लेडी गागा है। वो एक प्रसिद्ध नर्तकी है। वह अपनी बहन सोनम कपूर के साथ कई प्रसिद्ध मैगजीन्स जैसे गाजिया इंडिया, हेलो आदि में दिखाई दी। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।